फ्रेंड्स, मैं गीता सक्सेना फिर आपके साथ हूँ अपने चैनल कुक विद गीता में। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको मैं क्या बनाने जा रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता सक्सेना फिर आपके साथ हूँ अपने चैनल हाय फ्रेंड्स मैं गीता सक्सेना फिर आपके साथ हूँ अपने चैनल कुक विद गीता में। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आटे का नमकीन हलवा। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए ये आटा, ये गेहूँ का आटा है, जीरा, हरी मिर्च, नमक, हरी मिर्च, थोड़ी सी चिरौंजी, कुछ मूंगफली जो मैंने भून के रख ली पहले से ही, हरी धनिया, देसी घी और ये प्याज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई पहले से ही चढ़ा दी है, मैंने इसे पूरी बनाई हुई थी, प्लीज़ माइंड मत करना, इससे कढ़ाई ऐसी पहले सुबह पूरी मेरी नाश्ते में बनी थी। अब मैं डालूँगी इसमें जीरा, और साथ में ये हरी मिर्च। हमारा जीरा बन रहा है, हमारा जीरा बन चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें गेहूं का आटा जो मैंने लिया था। आपको जितना बनाना है उतना बनाइए, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। इस आटे को मैं तब तक भूनना जब तक बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए हमारा आटा कितने अच्छे से बन चुका है। आटा जरा भी कच्चा है, जरा भी कच्चा रहेगा तो ये हलवा अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें डालेंगे नमक और मिर्च, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं डालूंगी इसमें ये पानी, थोड़ा सा करके डालेंगे, क्योंकि ये आटे का हलवा एकदम गीला नहीं अच्छा लगता है, सूखा सूखा ही अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालिए, इस तरह से एकदम दही डालिए। अब डालूंगी मैं इसमें देसी घी ऊपर से थोड़ा सा, क्योंकि हलवे में जितना घी उतना ही अच्छा लगता है। एक बार आप इसको बना के देखिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप इसके आगे सारे नमकीन खाना भूल जाएंगे। अभी जो मैंने मूंगफली रखी थी भून के, उनको ये मैंने तेल में फ्राई करी है, इसलिए इनका छिलका ठीक से नहीं उतरा। आप चाहे तो सूखी भून सकते हैं। और ये थोड़ी सी चिरौंजी, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब मैं डालूंगी इसमें ऊपर से हरा धनिया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं आती हूँ इसकी मेन चीज पे, जिससे कि हलवे का स्वाद बढ़ जाता है। ये हलवा आपने कभी नहीं बनाया होगा, प्लीज एक बार ट्राई जरूर करें। गरम हो चुका, अब मैं डालूंगी इसमें जो मैंने प्याज काट के रखी थी धीमे से। और इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूंगी। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, चलिए अब जो इसमें प्याज का ये ऑयल है, ये मैं इसमें डालूंगी। इसमें बहुत अच्छी प्याज की खुशबू आती है, इसी तरह से आप ये हलवा बनाइए। एक बार इसको फिर से मिक्स कर लूंगी। हमारा हलवा तैयार है,
चलिए मैं आपको उसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। हमारा आटे का हलवा बन के तैयार है। एक बार आप इसी तरह बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। इसके आगे आप सारी नमकीन हो चीज़ें खाना भूल जाएंगे, कोई भी नमकीन आपको पसंद नहीं आएगी। और आपकी दिवाली पे आपके मेहमान आए तो ये हलवा ज़रूर बना के आप उनको खिलाइए, वो भी कहेंगे वाह क्या हलवा है।